तो ट्रिक्स कारड्डा में फिर से आप सभी का एक बार स्वागत है हम लोग दिन की तरह हम लोग आज भी के आर जी के क्वेश्चन को हम लोग करेंगे तो सभी लोग आ जाइए जितने भी स्टूडेंट जुड़े हुए हैं सभी लोगों को गुड मॉर्निंग कबीर सिंह जी गुड मॉर्निंग चलिए सभी लोग आ जाइए जितने भी स्टूडेंट हम लोग प्रतिदिन हम लोग क्लास करते हैं आप सभी को पता है तो जितने भी स्टूडेंट हैं आप सभी को पता है कि हम लोग का आज जो क्लास है वो एक खतरमा क्लास है जीके आर जी एस का क्लास हम लोग का सुबह ग्यारह बजे से प्रतिदिन चलता है तो सभी लोग आ जाइए ग्यारह बजने में कुछ समय रह गया तो हम लोग ग्यारह बजे से जीके के जी और करंट अफेयर के क्वेश्चन को करेंगे जिसमें करंट अफेयर का क्वेश्चन आपको पंद्रह मिलेगा और जीके के जी का क्वेश्चन पचास रहेगा तो सभी लोग आ जाइए चलिए अश्विनी जी गुड मॉर्निंग जितने भी स्टूडेंट हैं सभी लोग आ जाइए ताकि हम लोग क्लास को ग्यारह बजे से अपने टाइमिंग के साथ शुरू कर सके चलिएगा ज्योति जी गुड मॉर्निंग चलिए सभी लोग फटाफट आ जाइए हम लोग का क्लास ग्यारह बजे से शुरू होता है हम लोग क्लास को शुरू करेंगे तो जितने भी स्टूडेंट हैं सभी लोग फटाफट आ जाइए चलिएगा ताकि हम लोग क्लास को शुरू कर सके अपने टाइमिंग के साथ ग्यारह बजे से हम लोग का क्लास शुरू होता है तो ग्यारह बजने ही वाला है तो हम लोग क्लास को शुरू करेंगे चलिएगा तो आज का क्लास यहीं से हम लोग शुरू करते हैं तो पहले करंट अफेयर का क्वेश्चन आपके स्क्रीन को पर आ रहा है तो आप लोग क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िएगा उसके बाद आंसर आप लोग दीजिएगा चलिएगा तो आयिशिका जी गुड मॉर्निंग चलिएगा तो आज का पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन को पर आ गया ध्यान दीजिएगा बबलू जी गुड मॉर्निंग चलिएगा तो आज का पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन के ऊपर आ गया ध्यान दीजिएगा क्वेश्चन है कि हाल ही में आर सचिदानंद का निधन हुआ है बताइएगा कि वो किस प्रतिस्पर्धा से संबंधित है बताइएगा सभी लोग फटाफट बता दीजिएगा चलिएगा सभी का आंसर आना चाहिए हाल ही में बताइएगा कि आर सचिदानंद का निधन हुआ है बताइएगा कि उनका संबंध किस चीज से है चलिएगा सभी का आंसर आना चाहिए फटाफट बताइएगा ज्योति जी का सही आंसर आया है और बताइएगा चलिएगा जसवीर इंडिया जी गुड मॉर्निंग चलिएगा ज्योति जी का सही आंसर है बबलू जी का भी सही आंसर आया है चलिए फटाफट बताइएगा रिया जी का सही है जया प्रभा का सही है चलिएगा सभी का आंसर आना चाहिए जितने स्टूडेंट जुड़े हुए हैं सभी का आंसर आना चाहिए तो ऑप्शन क्या हो जाएगा ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर होगा यानी हाल ही में आर सच्चिदानंद का निधन हुआ है उनका जो संबंध है वो किस चीज़ से संबंधित है तो फिल्म निर्देशक थे ध्यान दीजिएगा फिल्म निर्देशक थे बिल्कुल करेक्ट आंसर चलिएगा आवाज़ आप लोग का सही जा रहा है एक बार बता दीजिएगा सभी लोग आवाज़ क्लियर जा रहा है सभी लोग फटाफट बता दीजिएगा चलिएगा चंदन जी गुड मॉर्निंग वाज सही जा रहा है एक बार बता दीजिएगा सभी लोग चलिएगा तो अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं चलिएगा चलिएगा धन्यवाद ज्योति जी तो अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ जाते हैं हम लोग अगला क्वेश्चन है कि ए के अनुसार वित्त वर्ष दो में भारतीय अर्थव्यवस्था में, में कितने प्रतिशत संकुचन होगा बताइएगा सभी का आंसर आना चाहिए चलिए प्रवीण जी गुड मॉर्निंग चलिएगा जसवीर इंडिया जी धन्यवाद चलिएगा सुमिरन जी धन्यवाद चलिएगा अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़िएगा फटाफट दूसरा नंबर क्वेश्चन आपके सन को पा गया बताइएगा रिया जी का सही है ज्योति जी का सही है अश्विनी जी का सही है बबलू जी का सही है जयप्रभा का सही है चलिए फटाफट बताइएगा सभी लोग सभी का आंसर आना चाहिए चलिएगा इसका जी धन्यवाद मनीष जी गुड मॉर्निंग प्रवीण जी का भी सही आंसर आया है कबीर सिंह जी का सही है चलिए सभी का आंसर आना चाहिए चलिएगा चंदन जी गुड मॉर्निंग चलिए इसका जी का भी सही आंसर है चलिए तो आंसर की तरफ बढ़ जाते हैं ऑप्शन क्या आ जाएगा ऑप्शन सी करेक्ट आंसर होगा यानी हाल ही में जो घोषित किया गया है एडीबी के द्वारा यानी वित्त वर्ष 2021 का जो भारतीय अर्थव्यवस्था में कितना प्रतिशत संकुचित रह सकता है तो चार प्रतिशत ध्यान दीजिएगा ऑप्शन क्या हो जाएगा ऑप्शन सी करेक्ट आंसर होगा ध्यान दीजिएगा अब यहाँ पे एडीबी का बात आया है तो आप लोगों को पता होना चाहिए कि एशियन डेवलपमेंट बैंक होता है इसका पूरा नाम होता है एशियन डेवलपमेंट बैंक इसका स्थापना की चर्चा अगर किया जाएगा तो उन्नीस में इसका स्थापना हुआ है अगर हेडक्वार्टर्स की अगर बात अगर किया जाएगा तो मनीला में इसका मुख्यालय है फिलीपींस की राजधानी मनीला में इसका अध्यक्ष का अगर चर्चा अगर किया जाएगा तो मतासुक

चलिएगा सभी का आंसर आना चाहिए फटाफट बताइएगा चलिएगा हाँ इसका जी बिल्कुल चलिएगा पेज को रिफ्रेश कर लीजिए मरीज जी गुड मॉर्निंग चलिएगा सभी का आंसर आना चाहिए जितने आप सभी जुड़े हुए हैं सभी का आंसर आना चाहिए फटाफट चलिएगा बिना भारती जी का सही आंसर है चलिए तो आंसर की तरफ बढ़ जाते हैं ध्यान दीजिएगा ऑप्शन क्या आ जाएगा ऑप्शन इसका डी करेक्ट आंसर होगा ध्यान दीजिएगा यानी बी यानी बैंक ऑफ बड़ौदा ने हाल ही में अपनी लोन प्रक्रिया को क्या कर दिया है तो पूरी तरह डिजिटल कर दिया है यानी जितने प्रकार के जो लोन होता है चाहे वो फाइनेंशियल लोन हो ऑटो लोन हो होम लोन हो पर्सनल लोन हो जितना प्रकार का जो लीन जो लोन होता है उसको क्या कर दिया है तो उसको डिजिटल कर दिया है क्योंकि डिजिटल अभी जो हम लोग का जो चल रहा है जो मॉडर्न पीरियड जो चल रहा है वो क्या है तो डिजिटल का बहुत अधिक डिमांड हो गया इस वजह से से सभी जो बैंक है वो क्या कर रहे हैं तो डिजिटल में परिवर्तन करें डिजिटल करने से हो रहा है या कि यानी जो काम जो पहले दस दिन में हुआ करता था वो आज दस मिनट में हो जा रहा है डिजिटल करने से फायदे हो रहे हैं तो ध्यान दीजिएगा अब यहाँ पे अगर बैंक ऑफ बड़ौदा की अगर स्थापना की अगर बात अगर किया जाएगा तो 1908 में इसका स्थापना हुआ है अब ध्यान दीजिएगा कि इसका जो मुख्यालय की बात अगर किया जाएगा तो बैंक ऑफ बड़ौदा ऐसे ही पता चल रहा है कि यहाँ कहाँ का है तो बड़ौदा का इस बात को लो आप लोग ध्यान रखिएगा अब यहाँ पे हाल ही में एक और इससे महत्वपूर्ण क्वेश्चन बनता है में हाल ही में दो बैंकों का विलय हुआ है दो बैंकों का विलय हुआ है तो बता दीजिएगा आप बताइएगा कि कौन कौन सा दो ऐसा बैंक है जिसका विलय हुआ है अभी बैंक ऑफ बड़ौदा में बताइएगा सभी का आंसर आना चाहिए बता दीजिएगा सभी का आंसर आना चाहिए चलिएगा चंदन जी का सही आंसर है चलिएगा बता दीजिएगा सभी लोग कौन सा ऐसा दो बैंक है जिसका विलय हुआ है हाल ही में बैंक ऑफ बड़ौदा में सभी लोग फटाफट बता दीजिएगा चलिएगा जितने भी स्टूडेंट हैं सभी का आंसर आना चाहिए चलिएगा ज्योति जी का सही आंसर आया है और बताइएगा जितने भी स्टूडेंट जुड़े हुए हैं सभी का आंसर आना चाहिए चलिएगा ज्योति जी का सही आंसर है तो चलिएगा की तरफ बढ़ जाते हैं ध्यान दीजिएगा यानी कौन कौन सा बैंक है तो ध्यान दीजिएगा बीजिया बैंक और देना बैंक है ध्यान रखिएगा कौन कौन सा बैंक है तो बीजिया बैंक है और देना बैंक है चलिएगा रिया जी का भी सही है निधि जी का भी सही है कौन कौन सा बैंक है तो बीजिया बैंक और देना बैंक ध्यान रखिएगा मैं क्वेश्चन को रिवीजन करने के लिए आप लोग से पूछ देता हूँ चलिएगा अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़िएगा अगला क्वेश्चन आपके सीन को पर आ गया ध्यान दीजिएगा चलिएगा अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में पचहत्तरवीं संयुक्त राष्ट्र महासभा का अध्यक्ष किसे चुना गया है बताइएगा चौथा नंबर क्वेश्चन आपके सिंह को बताया गया ध्यान दीजिएगा कि हाल ही में पचहत्तरवीं संयुक्त तो राष्ट्र महासभा का अध्यक्ष किसे चुना गया है बताइएगा चलिएगा निधि जी का सही है ज्योति जी का सही है कबीर सिंह जी का सही है जयप्रभा का सही है अश्विनी जी का सही है चलिएगा फटाफट बता दीजिएगा सभी लोग प्रवीण जी का सही है चलिएगा तो आंसर कितना बढ़ जाते हैं ऑप्शन क्या हो जाएगा ऑप्शन है इसका करेक्ट आंसर होगा ध्यान दीजिएगा यानी बोलकन बोडीकर बोलकन बोडीकर को हाल ही में पचहत्तरवीं संयुक्त राष्ट्र महासभा का अध्यक्ष चुना गया ध्यान दीजिएगा चलिएगा अगला क्वेश्चन कितना बढ़ जाते हैं अब बोलकन जो बोडियर है किस देश का तो ध्यान रखिएगा ये टर्की हैं इस बात को भी आप लोग ध्यान रखिएगा चलिएगा अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं कि हाल ही में योन हिंसा उन्मूलन दिवस के रूप में कब मनाया गया फटाफट बता दीजिएगा हाल ही में बताइएगा कि यौन हिंसा उन्मूलन दिवस के रूप में कब मनाया गया बताइएगा फटाफट चलिएगा सभी का आंसर होना चाहिए चलिएगा ज्योति जी का सही आंसर है अश्विनी जी का सही है कबीर सिंह जी का सही है चलिएगा फटाफट बताइएगा सभी लोग जितने स्टूडेंट जुड़े हुए हैं सभी का आंसर आना चाहिए और सभी लोग जितने भी अभी तक नहीं जुड़े हैं सभी लोग आ जाइए बबलू जी का भी सही है रिया जी का सही है निधि जी का सही है चलिए तो आंसर की तरफ बढ़ जाते हैं

बताइएगा कहाँ से लॉन्च किया गया सभी लोग फटाफट बता दीजिएगा चलिएगा सभी का आंसर आना चाहिए चलिएगा सभी लोगों को मैं बार बार करता हूँ कि आप लोग अपना आंसर दिया कीजिएगा चलिएगा ज्योति जी का सही आंसर आया है जयाप्रभा का सही है निधि जी का सही है चलिएगा कबीर सिंह जी का सही है अभिषेक जी का सही है अश्विनी जी का सही है चंदन जी का सही है मल जी जी का सही है चलिए फटाफट बताइए सभी लोग चलिएगा तो आंसर कितना बढ़ जाते हैं ध्यान दीजिएगा ऑप्शन क्या हो जाएगा ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर होगा यानी हाल ही में कहां से प्रारंभ किया गया तो ध्यान दीजिएगा यानी मुंबई से प्रारंभ किया गया यानी हाल ही में जो एयर वेटनी जो ऐप जो लॉन्च किया गया वो कहां से तो मुंबई से लॉन्च किया गया अब ध्यान दीजिएगा कि इसको लॉन्च किस लिए किया गया तो ध्यान दीजिएगा जो आईसीयू में जो बेड खाली होता है जो वेंटिलेटर जो खाली है उसको जानकारी प्रदान करने के लिए जानकारी उपलब्ध करवाने के लिए कि कितना बेड अभी खाली है इसको जानकारी लेने के लिए इसको लॉन्च किया गया एयर वेटनी को तो इस बात को आप लोग ध्यान रखिएगा चलिएगा अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ जाते हैं अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में ब्रिटिश पेट्रोलियम ने कहा ग्लोबल बिजनेस सर्विस सेंटर खोलने की घोषणा किया है बताइए नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन के ऊपर आ गया है बताइएगा चलिए मुकेश जी गुड मॉर्निंग चलिएगा निधि जी का सही आंसर आया है और बताइएगा चलिए फटाफट बता बताइएगा सभी लोग ज्योति जी का सही है जयप्रभा का सही है कबीर सिंह जी का सही है चलिए फटाफट बताइए सभी लोग अश्विनी जी का सही है रिया जी का सही है बीना भारती जी का सही है चलिए सभी का आंसर आना चाहिए मुकेश जी का भी सही है चलिए तो आंसर की तरफ बढ़ जाते हैं ऑप्शन क्या हो जाएगा ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर होगा यानी हाल ही में जो ब्रिटिश पेट्रोलियम ने यानी ग्लोबल बिजनेस सर्विस सेंटर खोलने की जो घोषणा किया है वो कहाँ में किया है तो ध्यान दिएगा पुणे में इसको खोलने की घोषणा किया पुणे कहाँ में तो महाराष्ट्र में इस बात को आप लोग ध्यान रखिएगा चलिएगा अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन आपके

चलिए सभी का आंसर आना चाहिए अभिषेक जी का सही है राम पुकार जी का सही है चलिए स्वीटी जी गुड मॉर्निंग चलिएगा अश्विनी जी क्या सही है चलिए तो आंसर की तरफ बढ़ते हैं ध्यान दीजिएगा ऑप्शन क्या जाएगा? हो जाएगा ऑप्शन भी आंसर होगा यानी हाल ही में जो योजना बनाया गया है वो कहां भेजा जाएगा तो रूस में भेजा जाएगा इसमें तीनों सेना भाग लेगा ध्यान दीजिएगा जल जल से वायु और थल तीनों सेना का टुकड़ा पे भेजा जाएगा इस बात को आप लोग ध्यान रखिएगा अब ध्यान दीजिएगा कि मनाया जाएगा कब तो ध्यान दीजिएगा इसको इस बार चौदह चौबीस जून को सॉरी चौबीस जून को इसको मनाने का निर्णय लिया गया है तो चौबीस जून को भारतीय जो सेना है वो भेजा जाएगा इस बात को ध्यान रखिएगा अब बात रूस की आई है तो रूस की जो

किस देश को चुना गया है बताइएगा किस देश को चुना गया फटाफट बता दीजिएगा किस देश को नहीं चुना गया है सॉरी ध्यान दीजिएगा क्वेश्चन में थोड़ा सा आप लोग ध्यान दीजिएगा क्वेश्चन में नदी लिखा गया नहीं होगा यहाँ पे ध्यान रखिएगा कौन सा ऐसा देश है निम्नलिखित में जिस जिसको नहीं चुना गया है ऑप्शन को ध्यान से एक बार फिर से आप लोग तो पढ़िएगा चलिएगा नौवा नंबर क्वेश्चन को, को बता दीजिएगा एक बार किसको नहीं चुना गया है चलिएगा किसे नहीं चुना गया है अस्थाई सदस्य देश में बताइएगा अश्विनी जी का सही आंसर आया है ज्योति जी का सही है चलिएगा सभी का आंसर आना चाहिए फटाफट बताइएगा निधि जी का सही है चलिएगा जया प्रभा का सही है तो आंसर कितना बढ़िया जाते हैं ऑप्शन क्या है जाएगा ऑप्शन इसका सी होगा यानी पाकिस्तान को अस्थाई सदस्य में नहीं चुना गया किसको किसको चुना गया भारत को चुना गया मेक्सिको को चुना गया और आयरलैंड को चुना गया यानी तीनों देश को अस्थाई सदस्य के रूप में चुना गया आप सभी को पता है कि अस्थाई सदस्य यानी जो सुरक्षा परिषद है उसमें अस्थायी देश की संख्या कितना है पांच को है अस्थाई देश की संख्या कितना होता है दस होता है अस्थायी का जो कार्यकाल होता है वो कितना होता है दो वर्ष होता है जो ये जो अस्थाई होता है इसका कार्यकाल कोई भी लिमिट नहीं है यानी ये हमेशा रहेंगे लेकिन ये दस है जो हमेशा चेंज होता रहता है दो वर्षों के बाद तो भारत को इस बार शामिल किया गया भारत के साथ मैक्सिको को और आयरलैंड को भी इसमें शामिल किया गया तो इस बात को भी आप लोग ध्यान रखिएगा और ये प्रत्येक दो वर्षों के लिए चुना जाता है अब भारत को जो इस बार जो चुना गया क्वेश्चन अगर पूछा कि कैमी बार चुना गया तो ध्यान रखिएगा आठवीं बार भारत को चुना गया है तो इस बात को भी आप लोग ध्यान रखिएगा कैमी बार तो आठवीं बार भारत को चुना गया है संयुक्त राष्ट्र संघ का आप लोगों को पता है कि संयुक्त राष्ट्र

चलिएगा सभी का आंसर आना चाहिए चलिएगा ज्योति जी का सही आंसर है भारती जी का का सही सही है है प्रभा चलिए मुकेश जी का सही है अभिषेक जी का सही है अश्विनी जी का सही है चलिएगा सभी का आंसर आना चाहिए निधि जी का भी सही है रिया जी का सही है कवीर सिंह जी का सही है माधव जी का सही है चलिए तो आंसर कितना बढ़ जाते हैं ऑप्शन क्या हो जाएगा ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर होगा ध्यान दीजिएगा यानी ओडिशा में हाल ही में जो कोविड केयर होम्स की स्थापना जो किया गया वो कहां में किया गया तो ध्यान दीजिएगा यानी ओडिशा में इसको प्रारंभ किया गया इसको प्रारंभ किस लिए किया गया तो ध्यान दीजिएगा यानी इसमें जो 10 से लेकर के 20 तक यानी कोविड जो पेशेंट होंगे कोविड 19 का जो शिकार पेशेंट होंगे उनको इसमें रखा जाएगा तो इस बात को आप लोग ध्यान रखिएगा अब ध्यान दीजिएगा कि उड़ीसा के बात आई है तो उड़ीसा से और दो तीन क्वेश्चन को देख लीजिए यानी मोहम्मद रफी को हाल ही में यहाँ का क्या बनाया गया तो जो ऊंचा न्यायालय है वहाँ के मुख्य न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया गया है एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन की हीरो टू एनिमल अवार्ड जो प्रदान किया गया है वो पेटा जो संस्था जो प्रदान करता है जानवरों के लिए संस्था तो ये प्रदान करता है तो वो किसे प्रदान किया

निवासी हैं, बताइएगा जो पीटर तवीची हैं, बताइएगा कि यह किस देश के निवासी हैं चलिए क्वेश्चन आपको तो करेंट अफेयर का पढ़ते रहिएगा तो, आ... अलग से भी अगर आप लोग नहीं भी अगर पढ़ते हैं तो कोई दिक्कत होने वाला नहीं है आपको एट्टी परसेंट क्वेश्चन करेंट अफेयर का क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा इतना करने से 80 से 90 तो सभी लोग ध्यान दीजिएगा नवीन जी का सही है कबीर सिंह जी का सही है अश्विनी जी का सही है बीना भारती जी का सही है अमरजीत जी का सही है चलिए सभी लोग फटाफट बता दीजिएगा अमरजीत जी का सही है चलिए तो आंसर कितना बढ़ जाते हैं ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर होगा यानी पीटर तविची को हाल ही में कौन सा पुरस्कार दिया गया है तो प्रतिष्ठित जो ग्लोबल टीचर प्राइज दिया गया को किसे दिया गया पीटर तविची को दिया गया वो किस देश के निवासी है तो केन्या के

चलिएगा सभी का आंसर आना चाहिए बिना भारती जी का सही है चलिएगा फटाफट बताइए बबलू जी का सही है चलिएगा रिया जी का भी सही आंसर आया है ज्योति जी का सही है चलिए तो आंसर की तरफ बढ़ जाते हैं ऑप्शन क्या हो जाएगा ऑप्शन इसका बी करेक्ट आंसर होगा ध्यान दीजिएगा यानी भारत और फ्रांस के बीच जो होता है वो कौन सा सैन्य अभ्यास है तो इसको ध्यान रखिएगा बरून होता है यानी बरून अगर पूछा जाए कि सैन्य अभ्यास किन दो देशों के बीच में होता है तो भारत और फ्रांस के बीच में होता है बरून चलिएगा अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ जाते हैं अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ गया ध्यान दीजिएगा अगला क्वेश्चन है कि श्रेयसी सिंह का संबंध बताइएगा कि किस राज से है बताइएगा श्रेयसी का संबंध बताइएगा कि किस राज से है किस से बिलोंग करती है श्रेयसी तेरह क्वेश्चन आपके को गया बताइएगा फटाफट तेरह क्वेश्चन का चलिएगा तेरह नंबर क्वेश्चन का आंसर आना चाहिए सभी लोग का फटाफट चलिएगा श्रेयसी सिंह का संबंध बताइएगा कि किस राज्य है चलिएगा ये क्वेश्चन एक बार और हो चुका है तो सभी लोग को उम्मीद करता हूं कि गलत नहीं होना चाहिए चलिएगा कबीर सिंह जी का सही आंसर आया है चलिएगा जितने भी है सभी लोग का आंसर आना चाहिए चलिएगा इसी तरीके तो को, का तो क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जामिनेशन में चलिएगा ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा ऑप्शन इसका डी करेक्ट आंसर होगा यानी बिहार से संबंधित है ध्यान रखिएगा ज्योति जी का भी सही है कब का भी सही है तो ध्यान दीजिएगा श्रेषि सिंह का जो संबंध है वो किस राश से तो बिहार से है इनका तो प्रतिस्पर्धा से अगर पूछा जाएगा तो ध्यान रखिएगा ये निशान्यवाज है निशानेवाज है जो बिलोंग करते हैं किस राश से बिलोंग करते हैं तो बिहार से बिलोंग करते हैं ध्यान रखिएगा चलिएगा अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ जाते हैं अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ गया ध्यान दिएगा कि अकीरा यूनो को बताइएगा कि नोबेल पुरस्कार जो दिया गया है 2019 में बताइएगा किस क्षेत्र में दिया गया है ये अश्विनो को बताइएगा कि किस क्षेत्र में नोबेल प्राइज 2019 दिया गया है बताइएगा सभी का आंसर आ जाना चाहिए फटाफट चलिएगा सौरभ सिंह यादव जी का आंसर ध्यान दीजिएगा दिया चलिएगा अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़िएगा सभी लोग फटाफट चौदह नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ गया ध्यान दीजिएगा अकीरा यह सुनियों को बताइएगा किस क्षेत्र में दिया गया है चलिएगा आंसर सही नहीं आ रहा ध्यान दीजिएगा चलिएगा कबीर सिंह जी का सही आया है निधि जी का सही है ज्योति जी का सही है चलिए तो आंसर की तरफ बढ़ जाते हैं ऑप्शन क्या है हो जाएगा ऑप्शन इसका सी करेक्ट आंसर होगा ध्यान दीजिएगा ये को जो दिया गया है वो किस क्षेत्र में, में दिया गया है केमिस्ट्री के क्षेत्र में दिया गया है यानी रसायन के क्षेत्र में दिया गया है ध्यान दीजिएगा चलिएगा सभी का आंसर आना चाहिए चलिएगा बंटी जी का भी सही आंसर है चलिएगा अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़िएगा आज का लास्ट क्वेश्चन करंट अफेयर का इसके बाद जीके जी इसका क्वेश्चन करेंगे चलिएगा अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में किस राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री जगनाथ मिश्र का बताइएगा कि निधन हुआ है बताइएगा सभी का आंसर आना चाहिए चलिएगा सभी लोग बताइए पंद्रह नंबर क्वेश्चन का चलिएगा जगन्नाथ मिश्र का हाल ही में निधन हुआ है बताइएगा चलिएगा अभिषेक जी का सही आंसर आया है और बताइएगा सभी लोग का आंसर आना चाहिए फटाफट बताइएगा चलिएगा अश्विनी जी का सही है प्रभा का सही है बंटी जी का सही है निधि जी का सही है रिया जी का सही है नेहा जी का सही है मुकेश जी का सही है चलिए या तो आंसर की तरफ बढ़ जाते हैं ऑप्शन क्या आ जाएगा ऑप्शन इसका बी करेक्ट आंसर होगा यानी बिहार से संबंधित थे ध्यान जी का बिहार से संबंधित थे हाल ही में निधन हुआ जगन्नाथ मिश्र के जो यानी मुख्यमंत्री थे यानी पूर्व मुख्यमंत्री थे कहा के थे तो बिहार के थे इस बात को आप लोग ध्यान रखिएगा चलिएगा तो हम लोग का करंट अफेयर का क्वेश्चन यहाँ पे समाप्त हो गया पंद्रह अब हम लोग जीके जी को करेंगे तो आप लोग क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िएगा उसके बाद आंसर दीजिएगा चलिएगा आज का पहला क्वेश्चन आपके को गया ध्यान दीजिएगा कि निम्नलिखित में से किस सिख गुरु को जहांगीर ने मृत्यु दंड दिया था बताइएगा सभी का आंसर आ जाना चाहिए फटाफट बताइएगा पहला क्वेश्चन आपके स्मृत को परा गया ध्यान दीजिएगा फर्स्ट क्वेश्चन आपके स्मृत को परा गया तो क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िएगा उसके बाद आंसर दीजिएगा चलिएगा बंटी जी का सही आंसर आया है प्रभा का सही है ज्योति जी का सही है रिया जी का सही है निधि जी, जी का सही है अश्विनी जी का सही है स्वीति जी का सही है चलिएगा सभी का आंसर आना चाहिए चलिएगा सभी का आंसर आना चाहिए फटाफट बताइएगा चलिएगा तो आंसर की तरफ बढ़ जाते हैं ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा तो ऑप्शन इसका डी करेक्ट आंसर होगा ध्यान दीजिएगा ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा तो ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर होगा यानी गुरु अर्जुन देव को ध्यान रखिएगा यानी गुरु अर्जुन देव को जहांगीर ने यानी फांसी पर चढ़ाया था यानी किस लिए चढ़ाया था तो राजकुमार जो खुसरो था था उसका क्या किया था, तो सहयोग किया था और इसका आरोप लगा करके यानी 1606 ईस्वी में इसको मृत्यु दंड देने का काम किया था वो किसने किया था तो जहांगीर जहांगीर को आप लोग को पता है कि ये मुगल वंश से संबंधित है आप सभी को पता ही होगा ये क्या किया था यानी तम्बाकू को प्रारंभ भी करवाया था जहांगीर ही और समाप्त भी करवाया था तो किसने करवाया था तो जहांगीर ही समाप्त भी किया था चलिएगा अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ जाते हैं अगला क्वेश्चन है कि पूना पैक्ट बताइएगा कि किन दो व्यक्तियों के मध्य में हुआ था बताइएगा क्वेश्चन दूसरा नंबर क्वेश्चन आप सिंह को पढ़ा गया बताइएगा सभी लोग फटाफट -फड़। चलिएगा राम पुकार सही है बंटी जी का सही है या प्रभा का सही है चलिएगा ज्योति जी का सही है चलिएगा सभी का आंसर आना चाहिए स्वीटी जी का सही है बीना भारती जी का सही है चलिए शिवानी जी गुड मॉर्निंग चलिएगा नेहा जी का सही है मुकेश जी का सही है सभी कैंसर का आंसर आना चाहिए जितने हैं ऑप्शन डी पूना पैक्ट जो हुआ था वो कब हुआ था ध्यान तो जी का यानी छब्बीस सितंबर उन्नीस को हुआ था कब हुआ था तो छब्बीस सितंबर उन्नीस को हुआ था ये जो हुआ था कि किसके किस यानी भीमराव अम्बेडकर के बीच में हुआ था और गांधी जी के बीच में हुआ था दोनों के बीच में ऐसा हुआ था क्योंकि यानी जो भीमराव अम्बेडकर यानी जो अलग यानी जो दलित वर्ग के जो व्यक्ति थे वो क्या कर रहे थे यानी अपना अलग अलग एक एक देश देश मांग कर रहे थे कि हमको बना दिया जाए तो गांधी जी सोचे कि जब ऐसा ऐसा अगर सभी अगर जाति के लोग अगर देश मांगने लगेंगे कि हमको ऐसा देश बना दिया जाए ऐसा तो भारत फिर रहेगा कहा एकत्रित होगा कैसे तो इसी वजह से गांधी जी क्या किए थे वहां पे कहे की तो यानी आप क्या कीजिए तो सदस्य की संख्या अधिक ले लीजिए तो क्या किया जो विधानसभा में जो पहले यानी विधानसभा में पहले अठहत्तर सदस्य कथा था तो गांधी जी इसको बढ़ा करके कितना कर दिए थे तो 147 सीट दे दिए थे भीमराव अंबेडकर को या आप सीट ज्यादा ले लीजिए लेकिन अलग मत होइए यानी इसी देश में रह करके आप भी रहिए आप भी काम कीजिए तो यह क्या हुआ था तो यानी पूना पैक जो हुआ था किनके के बीच तो गांधी जी और भीमराव अंबेडकर के बीच में हुआ था इस बात को आप लोग ध्यान रखिएगा चलिएगा अगला क्वेश्चन की बढ़ जाते हैं फटाफट चलिएगा तीसरा नंबर क्वेश्चन आपके बंदे प्रथम संपादन बताइएगा कि प्रथम संपादक बताइएगा कि अंग्रेजी में किसने किया था बताइएगा तीन नंबर क्वेश्चन आपके पाया गया बताइएगा तीसरा नंबर क्वेश्चन चलिएगा सभी का आंसर आना चाहिए तीसरा नंबर क्वेश्चन का चलिएगा फटाफट बताइएगा चलिएगा रिया जी का सही है शिवानी जी का सही है प्रभा का सही है ज्योति जी का सही है चलिएगा सभी का आंसर आना चाहिए जितने आप लोग जुड़े हुए हैं सभी का आंसर आना चाहिए

बताइएगा संविधान सभा में मूल कर्तव्य को बताइएगा कि संविधान की संस्तुति पर बताइएगा कि किसने लिखी थी बताइएगा सभी का आंसर आना चाहिए चलिएगा जितने स्टूडेंट जुड़े हुए हैं सभी लोग आंसर देने का प्रयास कीजिएगा तभी आप लोग ज्यादा से ज्यादा सीख सकते हैं चलिएगा जितने स्टूडेंट हैं चलिएगा निधि जी का सही आंसर है जयप्रभा का सही है चलिएगा सभी का आंसर आना चाहिए चलिएगा ज्योति जी का भी सही है सभी लोग जवाब दीजिए फटाफट चलिएगा तो की तरफ बढ़ जाते हैं बीना भारती जी का भी सही है चलिएगा तो आंसर की तरफ बढ़ते हैं ध्यान दीजिएगा नेहा जी का भी सही है शिवानी जी का सही है स्वीटी जी का सही है चलिए तो आंसर की तरफ बताते हैं ध्यान दीजिएगा ऑप्शन इसका डी करेक्ट आंसर होगा ध्यान दीजिएगा सरदार स्वर्ण सिंह के सिफारिश में मूल्य कर्तव्य को जोड़ा गया था आप लोग थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा तो बिल्कुल इसका करेक्ट आंसर आप लोग को सभी को पता है रोज हम लोग पढ़ते हैं कि बयालीसवां संविधान संशोधन कब हुआ था बयालीसवां संविधान संशोधन कब हुआ था तो उन्नीस में हुआ था जो मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया था वो कितना दस मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया था वो कब जोड़ा गया था तो उन्नीस में ही तो जोड़ा गया था बयालीसवां संविधान संशोधन के द्वारा बयालीसवां संविधान संशोधन का रूपरेखा किसने तैयार किया था तो सरदार स्वर्ण सिंह के सिफारिश पे किया गया था समझिये तो अगर क्वेश्चन अगर क्या है कि जब हमारा संविधान लागू हुआ था उसमें मूल कर्तव्य की संख्या कितना था तो एक भी नहीं था ध्यान रखिएगा जिसमें हमारा संविधान लागू हुआ था उसमें मौलिक कर्तव्य की संख्या एक भी नहीं था बयालीसवां संविधान संशोधन उन्नीस सौ छिहत्तर के द्वारा जो दस मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया था ग्यारवा मौलिक कर्तव्य कब जोड़ा गया तो दो हजार दो में जोड़ा गया यानी छियासवां संविधान संशोधन दो हजार दो के द्वारा ग्यारहवां मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया अब वर्तमान में ग्यारह मौलिक कर्तव्य ही है इस बात को आप लोग ध्यान रखिएगा ग्यारहवां मौलिक कर्तव्य जो जोड़ा गया है वो इंपॉर्टेंट है ध्यान दीजिएगा छियासवां संविधान संशोधन दो हजार दो के द्वारा

चलिएगा सभी का आंसर आ जाना चाहिए फटाफट बताइएगा चलिएगा नेहा जी का सही है सुधीर जी का सही है निधि जी का सही है रिया जी का सही है मुकेश जी का सही है चलिए अरविंद जी का सही है करिएगा तो आंसर कितना बढ़ जाते हैं ऑप्शन इसका क्या होगा तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर होगा यानी अंडे में कौन सा विटामिन नहीं पाया जाता है? तो ध्यान दीजिएगा अंडे में विटामिन सी नहीं पाया जाता है बाकी सभी पाया जाता है इस बात को आप लोग ध्यान रखिएगा अंडा में हो जो होता है अंडे का जो आवरण होता है वो क्या होता है तो कैल्शियम कार्बोनेट का बना हुआ होता है ध्यान दीजिएगा कि अंडा का जो ऊपर उजला वाला जो भाग दिखाई देता है वो क्या होता है तो कैल्शियम कार्बोनेट का रहता है ध्यान दीजिएगा अब अंडा में अंदर अगर फोड़े होंगे तो दो प्रकार का है

चलिएगा अगला क्वेश्चन की तरफ रही अगला क्वेश्चन आपके को आ गया ध्यान दीजिएगा कि एनसीईआरटी ने पाठ्यक्रमों की आपूर्ति के लिए आरंभ किया गया एक वेब पोर्टल है बताइएगा कि कौन सा वेब पोर्टल एनसीईआरटी ने पाठ्यक्रम कि के लिए बताइएगा कि लॉन्च किया है ऑनलाइन पाठ्यक्रम के लिए बताइएगा छठा नंबर क्वेश्चन आपके इसमें परा गया ध्यान दीजिएगा कौन सा प्रारंभ किया है चलिएगा सभी का आंसर आ जाना चाहिए फटाफट चलिएगा नवीन जी का सही आंसर आया है और बताइएगा चलिएगा अश्विनी जी का सही है चलिएगा, तो आंसर की तरफ बढ़ जाते हैं ऑप्शन क्या होगा तो ऑप्शन हो तो इसी के तहत जो है अपने जो पुस्तक उसको क्या कर दिया है तो ऑनलाइन दिया इस बात को स्वीटी जी का सही है बब्लू जी का भी सही आंसर आया है चलिएगा, अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ जाते हैं अगला क्वेश्चन आपके पाया गया ध्यान दीजिएगा कि जो भारतीय संविधान है उसमें अप्रशेषता का जो उन्मूलन है बताइएगा कि इसको किस अनुच्छेद के अंतर्गत रखा गया बताइएगा सातवां नंबर क्वेश्चन आपके सिंक आप पर बताइएगा आप प्रशेषता कांत बताइएगा चलिएगा रिया जी का सही है प्रभा का सही है निधि जी का सही है सुधीर जी का सही है शिवानी जी का सही है अश्विनी जी का सही है नवीन जी का सही है आरती जी का सही है स्वीटी जी का सही है

ये शिवानी जी का भी सही है चलिएगा चलिएगा बीना भारती जी का सही है कबीर सिंह जी का सही है नेहा जी का सही है चलिएगा इसका जी का भी सही है तो ऑप्शन कितना होगा ऑप्शन इसका बी करेक्ट आंसर होगा ध्यान दीजिएगावन के का तो कहिएगा कि तो कहीवन के का में तो मौलिक कर्तव्य है सर तो मौलिक कर्तव्य बिल्कुल है मौलिक कर्तव्य बिल्कुल है लेकिन मौलिक कर्तव्य कितना है तो ग्यारह मौलिक कर्तव्य है और जो पहला मौलिक कर्तव्य है आप लोग पढ़िएगा तो इसमें क्या किया गया तो पर्यावरण का संरक्षण ये सब जो है यानी मौलिक कर्तव्य के अंतर्गत ही आता है इस बात को आप लोग ध्यान रखिएगा तो कहिएगा कही मौलिक कर्तव्य अधिकार में क्या अंतर होता है तो मौलिक कर्तव्य मौलिक अधिकार में ऐसा होता है कि अगर मौलिक अधिकार

चलिएगा अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़िएगा चलिएगा नौवा नंबर क्वेश्चन आप के स्क्रीन के ऊपर आ गया ध्यान दिएगा कि जो चीनी यात्री फाहियान था बताइएगा कि भारत में भ्रमण किया था बताइएगा किसके शासन काल में भारत आया था बताइएगा फाहियान बताइएगा कि किसके समय में भारत आया था सभी लोग फटाफट बता दीजिएगा चलिएगा अगला क्वेश्चन की कितना बढ़ाइएगा सभी लोग चलिएगा नवीन जी का सही आंसर आया है चलिएगा रिया जी का भी सही है चलिएगा बीना भारती जी का सही है चलिए मुकेश जी का सही है प्रभा का सही है अश्विनी जी का सही है कबीर सिंह जी का सही है चलिए तो आंसर की तरफ बढ़ जाते हैं ऑप्शन इसका क्या होगा तो ऑप्शन इसका सी करेक्ट आंसर होगा ध्यान दीजिएगा नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन सी करेक्ट आंसर होगा यानी चीनी यात्री जो फाइयान था वो किसके समय में आया था तो चंद्रगुप्त तो द्वितीय जिसको विक्रमादित्य के भी नाम से जाना जाता है इस बात को आप लोग ध्यान रखियेगा रहा था कब से कब तक तो ध्यान रखिएगा तीन सौ निन्यानवे से लेकर के कब तक रहा था यानी चार सौ चौदह ईस्वी तक रहा था यानी चार सौ चौदह तक रहा था

चलिएगा सभी का आंसर आना चाहिए चलिएगा दीपक जी का सही है कोमल जी का सही आंसर है ज्योति जी का सही है पिंटू जी का सही है रिया जी का सही है चलिएगा अंकुश ऑफ जी का सही है चलिएगा शिवानी जी का भी सही है चलिए तो आंसर की तरफ बढ़ जाते हैं ऑप्शन इसका एक करेक्ट आंसर होगा ध्यान दीजिएगा जितने भी ऑप्शन लगाए सभी का सही है यानी एक महीना के अंदर जो आपातकाल का जो घोषणा होता है उसके जो लोकसभा से यानी जो संसद होता है उससे क्या करना होता है तो पारित करना होता है और जो आपातकाल होता है वह किस अनुच्छेद में होता है तो ध्यान रखिएगा तीन सौ बावन अनुच्छेद में आपातकाल की घोषणा किया गया इस बात को आप लोग ध्यान रखिएगा और जब आपातकाल होता है तो कौन सा अनुच्छेद निरस्त नहीं होता तो ध्यान रखिएगा अनुच्छेद बीस और इक्कीस निरस्त नहीं होता है इस बात को आप लोग ध्यान रखिएगा कौन सा अनुच्छेद निरस्त होता है तो अनुच्छेद उन्नीस पूरा का पूरा क्या हो जाता है निरस्त हो जाता है

चलिएगा नवीन जी का भी सही आंसर आया है और बताइएगा कोमल जी का सही है मुकेश जी का सही है कबीर सिंह जी का सही है बिना भारती जी का सही है

चलिएगा दीपक जी, जी, जी का सही आंसर है अंकुश ऑफिशियल जी का सही आंसर है शिवानी जी का सही है जयप्रभा का सही है मुकेश जी का सही है स्मिता जी का सही है नवीन जी का सही है सुधीर जी का सही है चलिएगा सभी का आंसर आ जाना चाहिए फटाफट चलिए आयिसका जी कर सही रिया जी का सही बबलू जी कर सही है तो ध्यान दीजिएगा ऑप्शन इसका एक करेक्ट आंसर होगा यानी चीन ध्यान रखिएगा इसमें मुख्य उत्पादक देश बहुत सारा का क्वेश्चन आता है इसमें ध्यान रखिएगा अगर क्वेश्चन अगर कर दिया कि सबसे अधिक चाय का निर्यात करने वाला देश कौन सा होगा तो ध्यान रखिएगा आप लोग श्रीलंका को लगाइएगा सबसे अधिक चाय का निर्यात कौन करता है तो श्रीलंका लगाइएगा लेकिन सबसे अधिक उत्पादन या उपभोग भी करता है तो वो कौन करता है वो चीन ही करता है इस बात को आप लोग ध्यान रखिएगा और भारत में अगर क्वेश्चन अगर किया कि भारत में सबसे अधिक चाय कहाँ होता है तो असम में होता है सबसे अधिक कहा में होता है असम में होता है लेकिन सबसे अच्छा किस्म का चाय अगर पूछा जाए तो ध्यान रखिएगा दार्जिलिंग आप लोग लगाइएगा सबसे अच्छा किस्म अगर कह दे कि सबसे अच्छा क्वालिटी का चाय कहाँ होता है तो दार्जिलिंग में होता है और सबसे अधिक कहा होता है तो, तो, तो असम में होता है इस बात को भी आप लोग ध्यान रखिएगा चलिएगा अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं कि यूनानी चिकित्सा विज्ञान का माना जाता है बताइएगा सभी लोग फटाफट तेरह नंबर क्वेश्चन आपके पर आ गया बताइएगा चलिएगा तेरह नंबर क्वेश्चन का आंसर सभी लोगों का आ जाना चाहिए फटाफट चलिएगा तेरह नंबर क्वेश्चन निधि जी का सही आंसर आया है मुकेश जी का सही है सुधीर जी का सही है जया प्रभा का सही है दीपक जी का सही है पिंटू जी का सही है रूपेश जी का सही है बबलू जी का सही है नेहा जी का सही है अंकुश ऑफिसियल जी का सही है माधव जी का सही है पिंटू जी का सही है

चलिएगा सुधीर जी का सही आंसर है निधि जी का सही है चलिएगा जया प्रभा का भी सही आंसर है सभी लोग बताइए कोमल जी का सही है पिंटू जी का सही है शिवानी जी का सही है चलिएगा तो आंसर की तरफ हैं ऑप्शन क्या आ जाएगा ऑप्शन बी करेक्ट आंसर होगा यानी स्वीडन की जो करेंसी है वो क्या क्रोना है ध्यान रखिएगा यानी कोरोना है कोरोना वायरस वाला मत समझ लीजिएगा आप लोग यानी कोरोना एक प्रकार का क्या है तो मुद्रा भी है इस बात को आप लोग ध्यान रखिएगा तो कहाँ का है स्वीडन की है स्वीडन की राजधानी क्या है तो स्टॉक होम में है चलिएगा अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ जाते हैं चलिएगा अगला क्वेश्चन है कि वृंदावन गार्डन बताइएगा कि कहा स्थित है सभी लोग बताइएगा पंद्रह क्वेश्चन आपके को ध्यान दीजिएगा वृंदावन गार्डन बताइएगा कि किस राज्य में स्थित है या कौन सा स्थान पर स्थित है सभी लोग बताइएगा पंद्रह नंबर क्वेश्चन चलिएगा पंद्रह नंबर बता दीजिएगा सभी लोग वृंदावन गार्डन बताइएगा चलिएगा पिंटू जी का सही आंसर आया है और बताइएगा कोमल जी का सही है चलिएगा सभी लोग गड़बड़ कर रहे हैं जया प्रभा का भी सही आंसर है चलिएगा ज्योति जी का सही है रिया जी का सही है नेहा जी का सही है रुपेश जी का सही है कोमल जी का सही है माधव जी का सही है ध्यान दीजिएगा यहाँ पे क्या है वृंदावन गार्डन का चर्चा किया जाएगा जैसे ही गार्डन आएगा तो मैसूर लगाइएगा सिर्फ अगर वृंदावन रहता तब आप लोग यूपी लगा देते बिल्कुल करेक्ट हो जाता लेकिन यहाँ पे क्या है यही क्वेश्चन तो धोखा दे करके निकल जाता है एग्जामिनेशन में ध्यान दीजिएगा यहाँ पे वृंदावन गार्डन का चर्चा है जैसे ही गार्डन कहता है आप मैसूर चल जाइएगा सिर्फ वृंदावन रहेगा तब ना उत्तर प्रदेश के मथुरा में है लेकिन यहाँ पे वृंदावन गार्डन का चर्चा किया गया है गार्डन में अगर गार्डन

चलिएगा सोलह नंबर का क्वेश्चन का आंसर सभी लोग आ जाना चाहिए फटाफट चलिएगा क्वेश्चन दो तीन दिन पहले भी आप लोग ध्यान रखिएगा अश्विनी जी का सही है कोमल जी का सही है निधि जी का सही है रिया जी का सही है रुपेश जी का सही है अस्मिता जी का सही है शिवानी जी का सही है चलिएगा सभी आना चाहिए बिना जी तो का तो ध्यान दीजिएगा ऑप्शन क्या हो जाएगा ऑप्शन इसका सी करेक्ट आंसर होगा ध्यान दीजिएगा निवर्ष दो हजार ग्यारह के जनगणना के अनुसार सबसे अधिक साक्षरता वाला, तो वाला अगर शासित प्रदेश का अगर चर्चा किया जाएगा तो लक्षद्वीप होगा सबसे अधिक अगर साक्षरता वाला अगर राज्य की अगर बात अगर किया जाएगा तब तो कौन सा होगा केरल होगा और सबसे कम अगर कहा जाएगा कौन सा साक्षरता वाला जो राज्य है वो कौन सा है तो बिहार है इस बात को भी आप लोग ध्यान रखिएगा चलिएगा चलिएगा सभी का आंसर आना चाहिए तो ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा ऑप्शन इसका सी करेक्ट आंसर होगा चलिएगा इस क्वेश्चन में एक भी स्टूडेंट का क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए ध्यान रखिएगा भारत के राष्ट्रपति के रूप में निर्वाचन होने के लिए बताइएगा कि जो न्यूनतम आयु होना चाहिए वो कितना होना चाहिए सभी लोग का आंसर सही होना चाहिए एक भी स्टूडेंट का गलत नहीं होना चाहिए ज्योति जी का सही है कोमल जी का सही है निधि जी का सही है रिया जी का सही है बीना भारती जी का सही है अश्विनी जी का सही है सुधीर जी का सही है पिंटू जी का सही है चलिए बबलू जी का भी सही है कबीर सिंह जी का सही है रूपेश जी का सही है शिवानी जी का सही है अंकुश अंकुशिया जी का सही है कोमल जी का सही है अस्मिता जी का सही है आईका जी का सही है चलिएगा सभी का आंसर सही आ रहा है तो ध्यान जी का ऑप्शन क्या जाएगा? ये हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा यानी पैंतीस वर्ष के जो उम्र होता है यानी जो न्यूनतम आयु होता है वो क्या होता है यानी राष्ट्रपति का इलेक्शन लड़ने न्यूनतम आयु होना चाहिए लेकिन अधिकतम का कोई भी चर्चा नहीं है इस बात को आप लोग ध्यान रखिएगा अधिकतम का अगर चर्चा अगर कर दिया गया अधिकतम जो आयु होता है वो कितना होता है तो अधिकतम का हमारे संविधान में वर्णन नहीं किया हुआ है भारत के संविधान में वर्णन किया गया कि 35 वर्ष न्यूनतम आयु होना चाहिए पागल दिवालिया नहीं होना चाहिए भारत का नागरिक होना चाहिए दिवालिया मतलब आप लोग समझते हैं दिवालिया मतलब जो कोई भारत का पैसा लिया और उसको चुकाने में असमर्थ हो गया अब आ गया दूसरा देश में तो दिवालिया हो गया जिसे विजय माल्या कह दिवालिया हो गया मेहुल चौकसी नीरव मोदी ये सब क्या है तो दिवालिया है यह सब भारत का इलेक्शन नहीं लड़ सकता इस बात

ज्योति जी का सही है चलिए सभी लोगों का सही आंसर आ रहा है तो ध्यान दीजिएगा ऑप्शन इसका डी करेक्ट आंसर होगा ध्यान दिएगा जो नटराज का जो प्रसिद्ध जो कहां से मूर्ति है वो किस काल का है तो चोल काल का इस बात को आप लोग ध्यान रखिएगा और चोल काल में सर्वाधिक जो विस्तार जो किया वो किसने किया तो राजेंद्र प्रथम जो था उसके शासन काल में सर्वाधिक चोल काल का विस्तार हुआ था इस बात को आप लोग ध्यान रखिएगा और चोल काल में जो महत्वपूर्ण एक बंदरगाह था जिसका नाम क्या था तो कवेरी पटनम इस बात को आप लोग ध्यान रखिएगा चलिएगा अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ जाते हैं हम लोग फटाफट चलिएगा अगला क्वेश्चन आपके किस को ध्यान दीजिएगा पहाड़ आने के लिए बताइएगा कि भूखंड की औसत जो निम्नतम ऊंचाई जो होनी चाहिए वो ना होना चाहिए तब क्वेश्चन हाँ, बोलने में चलिएगा बिल्कुल कोई बात नहीं बहुत सारे पकड़ लिए बहुत सारे नहीं पकड़े चलिएगा सुधीर जी का सही है रुपेश जी का सही है चलिए फटाफट बताइएगा मुकेश जी का सही है रिया जी का भी सही आंसर आया है और बताइएगा सभी लोग का आंसर आना चाहिए जितने पेंट हैं पिंटू जी का सही है जयाप्रभा का सही है चलिएगा सभी का आंसर आना चाहिए फटाफट चलिए अस्मिता जी का सही है अंकुश ऑफिशियल जी का सही है बबलू जी का सही है ज्योति जी का सही है चलिए तो आंसर की तरफ बढ़ जाते हैं ऑप्शन इसका बी करेक्ट आंसर होगा ध्यान दीजिएगा ऑप्शन बी करेक्ट आंसर होगा ध्यान दीजिएगा छह सौ मीटर जो होता है यानी भूखंड के जो औसत जो निम्न जो ऊंचाई होता है वो कितना होता है तो छह सौ होता है ध्यान रखिएगा चलिएगा गौरव सिंह यादव जी का भी सही आंसर आया चलिएगा अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़िएगा अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन को पर आ गया ध्यान दीजिएगा अगला क्वेश्चन है कि मोहम्मद गौरी बताइएगा कि कहां का शासक था बताइएगा 20 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन को पर आ गया बताइएगा मोहम्मद गौरी बताइएगा कि कहां का शासक था सभी लोग बताइएगा चलिएगा कुंदन गिरी जी बहुत दिन के बाद आए हैं चलिएगा बिल्कुल करेक्ट आंसर आया है कुंदन गिरी जी का भी सही है सुधीर जी का सही है रुपेश जी का सही है पिंटू जी का सही है चलिए शिवानी जी का सही है चलिए सभी लोग फटाफट बताइएगा कोमल जी का सही है मुकेश जी का सही है बीना भारती जी का सही है रिया जी का सही है कबीर सिंह जी का सही है माधव जी का सही है अस्मिता जी का सही है चलिएगा तो आंसर की तरफ बढ़िएगा ऑप्शन क्या हो जाएगा ऑप्शन इसका बी करेक्ट आंसर होगा ध्यान दीजिएगा यानी अफगानिस्तान मोहम्मद गौरी कहाँ कहां से था तो ध्यान दीजिएगा अफगानिस्तान का था मोहम्मद गौरी भारत पर जो आक्रमण किया था प्रथम आक्रमण कब किया था तो ग्यारह में किया था दूसरा कब किया था तो ग्यारह ध्यान दीजिएगा ग्यारह सौ अठहत्तर में किया था दूसरा चलिएगा बिल्कुल गौरव सिंह यादव जी का भी सही आंसर है बबलू जी का भी सही है विकास जी का भी सही है तो ऑप्शन इसका बी करेक्ट आंसर होगा ध्यान दीजिएगा चलिएगा अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ जाते हैं चलिएगा अगला क्वेश्चन आपके स्मीन के ऊपर आ गया ध्यान दीजिएगा कि तीसरा युद्ध जो हुआ था उसमें मराठों के पराजय के बाबत पर बताइएगा कि निम्नलिखित पर विचार कीजिएगा बताइएगा कि जो पानीपत का तृतीय युद्ध में मराठा का जो हार का जो वजह था बताइएगा कि कौन कौन सा वजह था इक्कीस नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन के ऊपर आ गया है बताइएगा सभी का आंसर आना चाहिए फटाफट चलिएगा इक्कीस नंबर क्वेश्चन आपके ऊपर आ गया है तो क्वेश्चन को ऑप्शन को आप लोग ध्यान से पढ़िए उसके बाद आंसर आप लोग दीजिए क्योंकि ये क्वेश्चन आप लोग से गलत भी हो सकता है इस तरीके का क्वेश्चन चलिएगा कोई बात नहीं रुपेश जी ध्यान दीजिएगा आंसर मैं बता रहा हूँ कुछ ही क्षणों में

चलिए फटाफट बता दीजिएगा क्वेश्चन की तरफ हम लोग अभी बढ़ रहे हैं चलिएगा सुमिरन जी कोई बात नहीं सही था चलिएगा अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ाइए सभी लोग चलिएगा अस्मिता जी का सही है चलिएगा कोमल जी का सही है नवीन जी का सही है रुपेश जी का सही है बीना भारती जी का सही है निधि जी का सही है शिवानी जी का सही है चलिए फटाफट बताइए सुधीर जी का सही है कबीर सिंह जी का सही है बाईस नंबर का बताइएगा पिंटू जी का सही है माधव जी का सही है चलिए सभी लोग अपना अपना आंसर दिया कीजिएगा सभी का आंसर आना चाहिए तो बाईस नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन क्या हो जाएगा ध्यान दीजिएगा ऑप्शन इसका सी करेक्ट आंसर होगा ध्यान दीजिएगा गौरव सिंह यादव जी का भी सही है आयिशिका जी का भी सही है तो ध्यान दीजिएगा ऑप्शन क्या हो जाएगा तो ऑप्शन सी यानी क्या करा तो बहादुर शाह जफर क्या था तो मुगल वंश का आखिरी शासक था और लोधी वंश का जो आखिरी शासक था वो कौन था तो इब्राहिम लोधी और लोधी वंश का स्थापना किसने किया था बहलोल लोदी तो ऑप्शन क्या हो जाएगा ऑप्शन सी होगा यानी जो इब्राहिम लोदी पानीपत के प्रथम युवा आप लोग को पता होगा कि पंद्रह में हुआ था बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में हुआ था जिसमें इब्राहिम लोदी की पराजय हुआ और वहीं से क्या हुआ तो लोदी वंश की समाप्ति भी हो गया था तो इस बात को आप लोग ध्यान रखिएगा ऑप्शन क्या हो जाएगा तो ऑप्शन सी करेक्ट आंसर होगा चलिएगा अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़िएगा अगला क्वेश्चन है कि पंडित भीम सेन जोशी बताइएगा कि इनका संबंध किस चीज से है तेईस नंबर क्वेश्चन आपके को पढ़ाया गया बताइएगा फटाफट पंडित जोशी का संबंध बताइएगा सभी लोग चलिएगा भीमसेन जोशी का बताइएगा सभी लोग फटाफट बताइएगा चलिएगा तो आंसर कितना बढ़ जाते हैं ध्यान दीजिएगा ऑप्शन क्या हो जाएगा तो ऑप्शन इसका बी करेक्ट आंसर होगा तेईस नंबर क्वेश्चन का हिंदुस्तानी गायक से संबंधित है इस बात को आप लोग ध्यान रखिएगा ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर होगा ध्यान दीजिएगा

शिवानी जी का सही है अश्विनी जी का सही है रिया जी का सही है ज्योति जी का सही है रूपेश जी, जी का सही है चलिएगा सभी का आंसर आना चाहिए नवीन जी का सही है शिवानी जी का सही है चलिए फटाफट बताइएगा माधव जी का सही है अंकुश ऑफिसिया जी का सी है गौरव सिंह यादव जी का भी है तो ध्यान दीजिएगा ऑप्शन क्या हो जाएगा तो ऑप्शन इसका बी करेक्ट आंसर होगा ध्यान दीजिएगा यानी चौबीस नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन भी यानी इंडिया गेट जो था इसमें क्या है तो अज्ञात सैनिकों का स्मारक इसको बनाया गया ध्यान दीजिएगा तो इंडिया गेट इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा गेट वे ऑफ इंडिया जो बना था ये किस लिए बना था तो जॉर्ज पंचम का जो आगमन हो रहा था तब गेटवे ऑफ इंडिया का निर्माण हुआ था तो दोनों क्वेश्चन को आप लोग ध्यान रखिएगा गेट वे ऑफ इंडिया और इंडिया गेट चलिएगा अगला क्वेश्चन की तरफ जाते हैं चलिएगा अगला क्वेश्चन पच्चीस नंबर क्वेश्चन है कि भारत के प्रधानमंत्री के अनुशंसा पर लोकसभा को बताइएगा कि कौन भंग करता है बताइएगा भारत के बताइएगा कि प्रधानमंत्री के अनुशंसा पर बताइएगा कि लोकसभा को भंग कौन करता है सभी लोग बता दीजिएगा पच्चीस क्वेश्चन का सभी लोग का आंसर आना चाहिए चलिएगा सभी का आंसर आ जाना चाहिए फटाफट चलिएगा कुंदन गिरी जी का सही है अश्विनी जी का सही है रिया जी का सही है कोमल जी का सही है पिंटू जी का सही है माधव जी का सही है अंकुश अफिशियाल जी का सही है ज्योति जी का सही है शिवानी जी का सही है कबीर सिंह जी का सही है सुधीर जी का सही है बीना भारती जी का सही है स्मिता जी का सही है कोमल जी का सही है जयराम यादव जी का सही है चलिएगा तो आंसर की तरफ बढ़िएगा ऑप्शन क्या हो जाएगा तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर होगा ध्यान यानी भारत के प्रधानमंत्री के सलाह पर लोकसभा को कौन भंग करता है तो राष्ट्रपति भंग करता है आप लोग बताइएगा कि किस अनुच्छेद के तहत भंग करता है सभी लोग बताइएगा जितने स्टूडेंट जुड़े हुए हैं कमेंट में बताइएगा पांच सेकंड के अंदर सभी का जवाब आ जाना चाहिए बताइएगा सभी लोग किस अनुच्छेद के तहत भंग करता है लोकसभा सभी लोग बता दीजिएगा फटाफट चलिए चलिएगा सभी लोग का आंसर आना चाहिए चलिए कनक लता जी बिल्कुल करेक्ट आंसर है राष्ट्रपति चलिएगा अगला क्वेश्चन की तरफ आजिएगा चलिएगा पिंटू जी का सही है बीमा भारती जी का सही है रिया जी का सही है यानी अनुच्छेद पचास बिल्कुल करेक्ट आंसर आ रहा है सभी लोग का ध्यान दिएगा शिवानी जी का भी सही है सुधीर जी का सही रूपेश जी का भी सही है निधि जी का भी सही है तो ऑप्शन कहा जाएगा अगर क्वेश्चन अगर क्या, किस अनुच्छेद के तहत अनुच्छेद पचास के तहत लोकसभा भंग होता है चलिएगा अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़िएगा अगला क्वेश्चन है कि भारत सरकार में सर्वोच्च शासकीय जो अधिकारी होता है वो कौन होता है बताइएगा भारत सरकार में सर्वोच्च बताइएगा कि शासकीय अधिकारी बताइएगा सभी लोग चलिएगा अकॉर्डिंग टू ऑप्शन के अनुसार आप लोग को चलना है ध्यान दीजिएगा शासकीय अधिकारी जो सर्वोच्च शासकीय अधिकारी होता है वो कौन होता है सभी का आंसर आ जाना चाहिए फटाफट नंबर क्वेश्चन का चलिएगा जितने भी अनुच्छेद पचासी लगाए थे सभी का सही था अगला क्वेश्चन के तरफ सभी लोग बढ़ जाइए फटाफट चलिएगा पिंटू जी का भी सही है दीपक जी का सही है ज्ञाप्रभा का सही है माधव जी का सही है प्रवीण जी का सही है तो आंसर कितना बढ़ जाते हैं कबीर सिंह जी का मंत्रिमंडल जो होता है तो भारत सरकार का सर्वोच्च शासकीय अधिकारी होता है होता है जो कभी कभी दिखता नहीं है तो इस बात को भी आप लोग ध्यान रखिएगा चलिएगा अगला क्वेश्चन कितना बढ़ते हैं सताइस नंबर क्वेश्चन आपके ध्यान दीजिएगा की निम्नलिखित धातुओं में से किसे सिंधु घाटी सभ्यता में नहीं जानते थे बताइएगा सताइस नंबर क्वेश्चन आपके आ गया ध्यान दीजिएगा चलिएगा सभी का आंसर आना चाहिए माधव जी का सही आंसर आया है रिया जी का सही है चलिए सभी लोग आंसर आप लोग तुरंत दिया कीजिएगा फटाक से आंसर ऑप्शन पढ़िए तुरंत आंसर दीजिएगा कुंदन गिरी जी का सही है पिंटू जी का सही है शिवानी जी का सही है कोमल जी का सही है कुंदन गिरी जी का सही है अश्विनी जी का सही है ज्योति जी का सही है सुधीर जी का सही है रुपेश जी का सही है प्रवीण जी का सही है जयराम जी का सही है शिवानी जी का सही है जयाप्रभा का सही है बीना भारती जी का सही है चलिएगा तो ऑप्शन क्या जाएगा ऑप्शन इसका सी करेक्ट आंसर होगा ध्यान दीजिएगा लोहा से परिचित नहीं थे सिंधु घाटी सभ्यता का जो लोग थे वो किसी से परिचित नहीं थे लोहा से चलिएगा कनक लता जी का भी सही है इसका जी का भी सही है गौरव सिंह यादव जी का भी सही है चलिएगा अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ जाते हैं चलिएगा अगला क्वेश्चन आपके को आ गया ध्यान दीजिएगा अगला क्वेश्चन है कि अकबर के शासन काल के दौरान बताइएगा कि जो भू राजस्व जो मंत्री था बताइएगा कि किसके हाथों हाथों में थी थी बताइएगा भू राजस्व मंत्री कौन था 28 नंबर क्वेश्चन आपके को आ गया फटाफट बता दीजिएगा चलिएगा दीपक जी का सही है कुंदन गिरी जी का सही है ज्योति जी का सही है रिया जी का सही है कबीर सिंह जी का सही है पिंटू जी का सही है अश्विनी जी का सही है या प्रभा का सही है सुधीर जी का सही है पिंटू जी का सही है अस्मिता जी का सही है शिवानी जी का सही है विकास जी का सही है बीना भारती जी का सही है माधव जी का सही है कोमल जी का सही है जयराम यादव जी का सही है तो था अकबर के शासन कौन था तो टोडरल क्वेश्चन तो टोडर आप लोग से जा रहा है क्वेश्चन अकबर से पहले बताइएगा कि टोडरमल किसके दरबार में रहता था, था। बताइएगा कि अकबर से पहले बताइएगा कि टोडरमल किसके दरबार में रहता था बताइएगा किसके दरबार में टोडरमल रहा करता था सभी लोग बता दीजिएगा दस सेकंड का समय आप लोग के तरफ जा रहा है बताइएगा सभी लोग चलिएगा लता जी का भी सही था जितेंद्र कुमार निराला जी का भी सही था चलिएगा इस क्वेश्चन का जवाब दीजिए सभी लोग किसके दरबार में रहा करता था टोडरमल अकबर के दरबार से पहले बताइएगा चलिएगा सभी का आंसर आ जाना चाहिए फटाफट चलिएगा दीपक जी का बिल्कुल करेक्ट आंसर आया है नवीन जी का सही है जयराम यादव जी का सही है चलिएगा कबीर सिंह जी का सही है जयाप्रभा का सही है चलिएगा तो आंसर की तरफ बढ़ते हैं ध्यान दीजिएगा यानी क्वेश्चन अगर किया गया ये क्वेश्चन बीपीएससी में क्वेश्चन पूछा गया इस वजह से मैंने क्वेश्चन कर दिया रिया जी का भी सही है शिवानी जी का भी सही पिंटू जी का सही तो क्वेश्चन अगर किया गया टोडरमल अकबर के पहले यानी अकबर से पहले किसके दरबार में रहते थे तो ध्यान रखिएगा शेर शाह सूरी के दरबार में रहता था ध्यान दीजिएगा शेर शाह सूरी के दरबार में रहा करता था कौन तो टोडरमल इस बात को आप लोग ध्यान रखिएगा टोडरमल बिल्कुल चलिएगा अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़िएगा अगला क्वेश्चन आपके गया ध्यान दीजिएगा अगला क्वेश्चन आपके असिंग को पूरा ध्यान दीजिएगा कि संविधान के बताइएगा कि किस अनुच्छेद में प्रेस की स्वतंत्रता दिया गया है बताइएगा प्रेस की स्वतंत्रता का चर्चा बताइएगा किस अनुच्छेद में किया गया है उन्तीस नंबर क्वेश्चन आपके असिंग को पारा गया ध्यान दीजिएगा हम लोग का क्लास प्रतिदिन सुबह ग्यारह बजे से चलता है तो जितने भी अगर नया स्टूडेंट जुड़े हुए हैं तो प्रतिदिन ध्यान रखिएगा टाइमिंग ग्यारह बजे से हम लोग का क्लास चलता है सभी लोग ग्यारह बजे आइएगा चलिएगा रिया जी का सही है बिना भारती जी का सही है चलिएगा ज्योति जी का सही है माधव जी का सही है जया प्रभा का सही है अश्विनी जी का सही है सुधीर जी का सही है रूपेश जी का सही है विकास जी का सही है ज्ञाप्रभा का सही है शिवानी जी का सही है चलिएगा रजनीश राज जी का सही है चलिए तो आंसर की तरफ बढ़ते हैं ऑप्शन कहा जाएगा जा ऑप्शन इसमें डी करेक्ट आंसर होगा यानी अनुच्छेद जो उन्नीस का क है इसमें क्या किया गया तो प्रेस की स्वतंत्रता का चर्चा किया गया मैंने बताया भी था कि यानी यानी जो कहा जाता है चौथा स्तंभ कहा जाता है यानी सरकार का चौथा स्तंभ किसको कहा जाता है प्रेस को कहा जाता है तीन स्तंभ कौन कौन होता है कार्यपालिका होता है न्यायपालिका होता है और विधायिका होता है कार्यपालिका न्यायपालिका विधायिका चौथा स्तंभ किसको कहा जाता है तो प्रेस को कहा जाता है तो ये भी आप लोग याद रखिएगा चलिएगा अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़िएगा चलिएगा अगला क्वेश्चन आपके सिंह ऊपर आ गया ध्यान दीजिएगा कि अलेक्जेंडर की भारत से लौटने के उपरांत तीन ईसा पूर्व बताइएगा कि कहां में मृत्यु हुआ था 30 नंबर क्वेश्चन आपके कैसे के ऊपर आ गया है बताइएगा 30 नंबर क्वेश्चन का बताइएगा सभी लोग फटाफट चलिएगा सभी का आंसर आना चाहिए 30 नंबर क्वेश्चन का चलिएगा अंकुश ऑफिशियल जी का सही है कोमल जी का सही है रजनीश जी का सही है कबीर सिंह जी का सही है कुंदन गिरी जी का सही है का सही है जयराम जी का सही है सुधीर जी का सही है ज्योति जी का सही है प्रवीण जी का सही है चलिएगा सभी का आंसर आना चाहिए जितने स्टूडेंट जुड़े हुए था। था हैं कोमल जी का भी सही है स्मिता जी का भी सही है चलिए तो आंसर की तरफ बताते हैं ध्यान दीजिएगा जितेंद्र निराला जी का भी सही है तो ऑप्शन क्या आ जाएगा ऑप्शन डी इसमें करेक्ट आंसर होगा यानी बेबी लोन में मृत्यु हुआ था आप सभी को पता होना चाहिए कि कहा हुआ था बेबी लोन में हुआ था जो भारत यानी सिकंदर जब भारत

माल किस नदी के किनारे है तो ध्यान रखिएगा यमुना नदी के किनारे है तो ये सब आप लोगों को कभी भी मिस नहीं करना है ये सब क्वेश्चन चलिएगा अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़िएगा कि कौन सा वाद्य यंत्र है जो बिना तार का है बताइएगा कौन सा ऐसा वाद्य यंत्र है जो बिना तार का है बिना तार का बजाया जाता है 32 नंबर क्वेश्चन आपके पर आ गया बताइएगा चलिएगा सभी का आंसर आना चाहिए 32 नंबर क्वेश्चन का चलिएगा कुंदन गिरी जी का सही है दीपक जी का सही है रिया जी का सही है ज्योति जी का सही है चलिएगा सभी का आंसर आना चाहिए सभी लोग जितने भी स्टूडेंट बने हुए हैं सभी का आंसर आना चाहिए प्रवीण जी का सही है स्वीनी जी का सही है सुधीर जी का सही है ज्ञाप्रभा का सही है रजनीश राज जी का सही है रूपेश जी का सही है मुकेश जी का सही है माधव जी का सही है पिंटू जी का सही है बीना भारती जी का सही है चलिएगा तो आंसर कितना बढ़ जाते हैं ध्यान दीजिएगा ऑप्शन इसका सी करेक्ट आंसर होगा ध्यान दीजिएगा ट्रम्पलेट बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा ट्रम्पलेट होगा यानी गिटार सितार और वायलिन में क्या होता है तो तार होता है लेकिन ट्रम्पलेट में क्या होता है तो इसमें वायर यानी तार का प्रयोग नहीं किया जाता है चलिएगा अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़िएगा अगला क्वेश्चन है चित्रकला की गंधार शैली का सूत्रपात बताइएगा कि किसके द्वारा किया गया था बताइएगा तेतीस नंबर क्वेश्चन चलिएगा तेतीस नंबर क्वेश्चन का बता दीजिएगा सभी लोग फटाफट तैतीस नंबर क्वेश्चन का बताइएगा चलिएगा कुंदनगि जी का सही है दीपक जी का सही है चलिएगा सभी का आंसर आना चाहिए जयप्रभा का सही है बीना भारती जी का सही है चलिएगा प्रवीण जी का सही है अश्विनी जी का सही है ज्योति जी का सही है रिया जी का सही है सुधीर जी का सही है कबीर सिंह जी का सही है रजनीश राज जी का सही है चलिएगा मुकेश जी का सही है चलिएगा तो आंसर कितना बढ़ते हैं ध्यान दीजिएगा ऑप्शन क्या आ जाएगा तो ध्यान दीजिएगा यानी तैतीस नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन भी करेक्ट आंसर होगा यानी चित्रकला का जो गंधार शैली है है इसका सूत्रपात जो होता यानी किस संप्रदाय से हुआ तो ध्यान दीजिएगा महायान महायान और ही और हीनयान का संबंध आप लोग को पता होना चाहिए कि बौद्ध धर्म से है चलिएगा। अगला क्वेश्चन बढ़िएगा अगला क्वेश्चन आपके पता गया ध्यान दीजिएगा कि सलारगन संग्रहालय कहां स्थित है ये क्वेश्चन हल्का क्वेश्चन है बताइएगा सभी का सही होना चाहिए सलारगन संग्रहालय कहा स्थित है चलिएगा चलिएगा अंकुश ऑफिशियल ऑफिसियल नो वर्क चलिए पेज को एक बार रिफ्रेश कर लीजिएगा चलिएगा रुपेश जी का भी सही आंसर आया है चलिएगा सभी का सही आ रहा है मुकेश जी का सही है अंकुश जी का सही है मनीष जी का सही है शिवानी जी का सही है पिंटू जी का सही है बीना भारती जी का सही है माधव जी का सही है चलिएगा रजनीश राज जी का सही है चलिएगा तो ध्यान दीजिएगा ऑप्शन क्या आ जाएगा ऑप्शन ए करेक्ट आंसर होगा ध्यान दीजिएगा सलारगंज सलार जो संग्रहालय है वो कहाँ स्थित है थी थी थी? तो हैदराबाद में स्थित है ध्यान रखिएगा सलारगंज संग्रहालय कहाँ स्थित है तो ऑप्शन ए करेक्ट होगा हैदराबाद में स्थित है हौज खास की अगर चर्चा अगर किया जाए कि हौज खास कहाँ स्थित है तो हौज खास नई दिल्ली में स्थित है इस बात को आप लोग ध्यान रखिएगा दीवाने खास की अगर चर्चा अगर किया जाएगा तो आगरा फोर्ट में स्थित है चलिएगा अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़िएगा चलिएगा सभी का सही था मुकेश जी का कनक लता जी का भी सही था ईस्का जी का भी सही था विकास जी का भी सही था चलिएगा अगला क्वेश्चन की तरफ निम्नलिखित में से कौन सा स्त्री और चलिएगा गिरी जी का सही है इका जी का सही है कबीर सिंह जी का सही है जयाप्रभा का सही है रामपुकार जी का सही है चलिए दीपक जी का सही है अश्विनी जी का सही है सुमिरन जी आपका कमेंट तो आ रहा है नेट प्रॉब्लम की वजह से ऐसा हो रहा है पेज को रिफ्रेश कर लीजिएगा विकास जी का सही है आयिष्का जी का सही है मुकेश जी का सही है चलिएगा तो गरबा बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए होगा यानी गरबा नृत्य है गा। जिसमें क्या होता है तो स्त्री पुरुष दोनों ही हिस्सा लेते हैं ध्यान दीजिएगा इसमें डंटा से क्या किया जाता है तो खेला जाता है चलिएगा अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़िएगा घूमर जो है राजस्थान का है पता होना चाहिए चलिएगा अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़िएगा चलिएगा अगला क्वेश्चन है किन यान और महायान बताइएगा किस जो संप्रदाय का जन्म हुआ था बताइएगा कि किस में हुआ था किस बताइएगा कि बौद्ध संगति में और महायान अलग अलग विभाजित हुआ था सभी का आंसर आ जाना चाहिए फटाफट चलिएगा क्वेश्चन को, को आप लोग ध्यान से पढ़िएगा उसके बाद आंसर दीजिएगा चलिएगा और महायान बताइएगा चलिए सुधीर जी का सही आंसर है कोमल जी का सही है चलिएगा क्वेश्चन आप लोग कैसे गलत कर रहे हैं छत्तीस नंबर क्वेश्चन बताइएगा ही और महायान कैसे गलत आप लोग कर रहे हैं इस क्वेश्चन को पिंटू जी का भी सही है रिया जी का सही है कोमल जी का सही है जया प्रभा का सही है

चलिएगा तो चौथा का कुल मित्र कनिष्क था तो इस बात को आप लोग ध्यान रखिएगा तो कनिष्क के कनिष्काल में हुआ था चलिएगा अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ जाते हैं चलिएगा अगला क्वेश्चन आपके सम्राट अशोक निम्नलिखित में से किस महल का निर्माण फतेहपुर सीकरी में करवाया था बताइएगा कौन सा ऐसा महल था जिसका निर्माण फतेहपुर सीकरी में करवाया था सैंतीस नंबर क्वेश्चन आपके पढ़ाया गया बताइएगा सभी लोग फटाफट चलिएगा चलिएगा सुमिरन जी बोल रहे हैं कि नेट बहुत स्लो चल रहा है पेज को रिफ्रेश कर लीजिए एक दो बार देखिए पेज को रिफ्रेश करके होता है तो अभी नेट का प्रॉब्लम चल ही रहा है चलिएगा प्रवीण जी का सही है बिना भारती जी का सही है पिंटू जी का सही है अश्विनी जी का सही है सुधीर जी का सही है रामपुकार जी का सही है स्मिता जी का सही है शिवानी जी का सही है विकास जी का सही है बिना भारती जी का सही है दीपक जी का सही है चलिएगा तो आंसर की तरफ बढ़ जाते हैं अंकुश ऑफिशियल जी का सही है शिवानी जी का सही है ऑप्शन क्या जाएगा ऑप्शन इसका सी करेक्ट आंसर होगा ध्यान दीजिएगा यानी पंचमहल जो स्थित है ध्यान रखिएगा सम्राट जो अकबर था यानी किस महल का निर्माण फतेहपुर सिकरी में करवाया था तो ध्यान रखिएगा यानी पंचमहल का इस बात को आप लोग ध्यान रखिएगा सैंतीस नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन सी करेक्ट आंसर होगा तो ध्यान रखिएगा फतेहपुर सीकरी का जो स्थापना यानी जो राजधानी बनाया था फतेहपुर सीकरी का वो कब बनाया था तो पंद्रह में एक क्वेश्चन भी पूछा गया है यानी राजधानी जो बनाया था फतेहपुर सीकरी को कब था? तो 1571 बनाया था तो पंद्रह ईस्वी में बनवा बनाया था अपनी राजधानी के रूप में चलिएगा अगला क्वेश्चन कितना बढ़ जाते हैं अगला क्वेश्चन है कि भारत के निम्नलिखित प्राचीनतम सिक्कों पर बताइएगा कि शासकों के नाम एवं उनके शरीर के ऊपरी भाग चित्र बने हुए थे बताइएगा कि किस वंश के जो सिक्का जो चलाया गया था उसमें ऐसा जिक्र किया गया था बताइएगा चलिएगा चलिएगा गौरव सिंह बोल रहे हैं कि नेट में लॉकडाउन लग गया है नेट में तो लॉकडाउन नहीं लगा है गौरव जी चलिएगा सभी का आंसर आ जाना चाहिए फटाफट अड़तीस नंबर क्वेश्चन

किया गया था बताइएगा कि कौन सा ऐसा व्यक्ति था जो अखिल भारतीय हरियन संघ की स्थापना किया था बताइएगा सभी का आंसर आना चाहिए फटाफट चलिए 39 नंबर क्वेश्चन का आंसर आना चाहिए चलिएगा कुंदन गिरी जी का सही है कोमल जी का सही है बिना भारती जी का सही है पिंटू जी का सही है रिया जी का सही है नवीन जी का सही है ज्योति जी का सही है दीपक जी का सही है पिंटू जी का सही है अश्विनी जी का सही है चलिएगा सभी का आंसर आना चाहिए अस्मिता जी का सही है अंकुश ऑफिशियल जी का सही है कबीर सिंह जी का सही है चलिए तो आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन इसका डी होगा ध्यान रखिएगा यहाँ पे महात्मा आपको कंफ्यूज करने के लिए दे दिया कि महात्मा देखते हैं महात्मा गांधी की तो एकदम एक, एक नंबर एक एक वाला क्वेश्चन एकदम फटाक से बन गया लेकिन बिल्कुल गलत हो जाएगा ध्यान रखिएगा सभी ऑप्शन को पढ़िएगा महात्मा गांधी बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा यानी जो अखिल भारतीय हरिजन संघ की स्थापना करने का जो श्रेय जाता है वो किसे जाता है तो महात्मा गांधी को जाता है इस बात को आप लोग ध्यान रखिएगा और गांधी जी कांग्रेस के अधिवेशन से कितना बार मतलब इस्तीफा दे दिया

चलिएगा कोमल जी का सही आंसर आया है और बताइएगा चालीस नंबर क्वेश्चन का बीना भारती जी का सही है ज्योति जी का सही है अंकुश ऑफिशियल जी का सही है दीपक जी का सही है जिया प्रभा का सही है प्रवीण जी का सही है गौरव सिंह यादव जी का सही है रिया जी का सही है कोमल जी का सही है शिवानी जी का सही है कबीर सिंह जी का सही है माधव जी का सही है इश्का जी का सही है चलिए फटाफट बता दीजिएगा सभी लोग चलिएगा तो आंसर की तरफ बढ़ जाती है ऑप्शन क्या हो जाएगा ऑप्शन एक करेक्ट आंसर होगा ध्यान दीजिएगा चंपारण सत्याग्रह के दौरान चंपारण सत्याग्रह कब हुआ था तो ध्यान दीजिएगा 1917 में हुआ था चंपारण सत्याग्रह आप सभी को पता है कि चंपारण सत्याग्रह कब हुआ था 1917 में गांधी जी को आने के लिए राज जो राजकुमार शुक्ला थे वो आमंत्रित किए थे किनको गांधी जी को आने के लिए चंपारण में कि आइए यहाँ पे जो नील का खेती हो रहा है इसका हम लोग विरोध कर रहे हैं इसका अभी क्या कीजिए तो समर्थन कीजिए अब सुभाष चंद्र बोस को, को पता चाहिए कि नेता इंपॉर्टेंट तो तो लोग, लोग क्वेश्चन लोग लोग कैसा लग रहा है सभी लोग बता दीजिएगा दस सेकंड पांच से दस सेकंड के अंदर सभी लोग जवाब दे दीजिए आज का वीडियो आपको क्ला, क्लास कैसा लग रहा है सभी लोग बता दीजिएगा सभी लोग का कोई चेंजिंग अगर आवश्यकता हो तो आप लोग बता सकते हैं कोई चेंजिंग आवश्यकता हो तो आप लोग बता सकते हैं सभी लोग चलिएगा ज्योति जी धन्यवाद अंकुश ऑफिशियल जी धन्यवाद सभी लोगों को अच्छा लग रहा है चलिएगा सभी लोगों को अच्छा लग रहा है कोई भी चेंजिंग की आवश्यकता हो तो आप लोग बता सकते हैं मैं आप लोग का सुझाव बिल्कुल मानूंगा चलिएगा चलिएगा सभी लोग को अच्छा लग रहा है चलिएगा तो अगला क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ जाते हैं चलिएगा सुपर से ऊपर चलिएगा बिल्कुल सभी लोग को धन्यवाद चलिएगा अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़िएगा चलिएगा कबीर सिंह जी बोल रहे हैं कि थोड़ा सा भारी लग रहा है चलिए आसान और हर दोनों क्वेश्चन आपका मिला हुआ कबीर सिंह जी चलिएगा अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़िएगा अगला क्वेश्चन है कि सी, भारतीय शिक्षा व्यवस्था का जो संबंध है चार्ल्स बुट डिस्पैच बताइएगा कि किस वर्ष भारत आया था चलिएगा सभी लोगों का धन्यवाद चलिएगा आप बता दीजिएगा सभी लोग फटाफट चलिएगा इकोनॉमिक्स का क्वेश्चन कोमल जी बोल रहे हैं कल से इकोनॉमिक्स का क्वेश्चन भी रहेगा कोमल जी चलिएगा आप लोग जो सुझाव हो बताइएगा हाँ बिल्कुल डेली करवाते हैं उनको ऑफिशियल जी डेली हम लोग का क्लास ग्यारह बजे से चलता है करेंट से अफेयर का भी क्वेश्चन रहता है चलिएगा पिंटू जी का सही है बिना भारती जी का सही है विकास जी का सही है इसका जी का सही है रामपुकार जी का सही है बिना भारती जी का सही है चलिएगा रजनीश राज जी का सही है चलिएगा कोमल जी का भी सही है चलिए करंट अफेयर भी रहता है अंकुश ऑफिशियल जी करेंट अफेयर शुरू में जो हम लोग स्टार्ट करते हैं तो सही ग्यारह बजे आपका लाइएगा बिल्कुल करेंट अफेयर का क्वेश्चन को भी हम लोग डिस्कस करते हैं

चलिएगा बताइएगा सभी लोग फटाफट इसमें आप लोग क्वेश्चन को ऑप्शन ध्यान से पढ़िएगा अदरवाइज नॉर्मलाइजेशन हो जाएगा ध्यान रखिएगा बिहार को अलग प्रांत की चर्चा कर रहा है चलिएगा बिल्कुल कोमल जी का सही है पिंटू जी का सही है सभी लोग अच्छा जवाब दे रहे हैं चलिएगा रिया जी का सही है बीना भारती जी का सही है अरविंद जी का सही है शिवानी जी का सही है स्मिता जी का सही है रामपुकार जी का सही है अंकुश ऑफिशियल जी का सही है प्रवीण जी का सही है सुधीर जी का सही है चलिएगा नेट प्रॉब्लम हो रहा है कबीर सिंह जी चलिएगा कोई बात नहीं पेज को रिफ्रेश कीजिए चलिएगा ऑप्शन है इसका बी करेक्ट आंसर होगा उन्नीस सौ बारह बिल्कुल हमें लग रहा था कि सब आप लोग उन्नीस लगाइएगा लेकिन चलिएगा सभी लोग सही किए बहुत बहुत धन्यवाद तो ध्यान रखिएगा ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा ऑप्शन बी उन्नीस सौ बारह उन्नीस सौ ग्यारह में घोषणा किया गया था ध्यान रखिएगा घोषणा का अगर चर्चा किया जाएगा तब उन्नीस सौ ग्यारह लगाइएगा आप लोग जब भी अलग किए अगर चर्चा किया जाएगा तो उन्नीस सौ बारह आप लोग लगाइएगा उन्नीस सौ छत्तीस में मैंने बताया था कि उड़ीसा अलग हुआ था उन्नीस सौ छत्तीस में क्या हुआ था तो उड़ीसा अलग राज्य बना उसके बाद दो हजार में बिहार से अलग होकर के झारखंड भी बना चलिएगा 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 अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़िएगा जी जी बारिश बारिश हो हो रही रही है है नहीं अभी अभी तो धूप उगा हुआ है हल्का हल्का बारिश नहीं हो रही है यहाँ पे फटाफट चलिएगा तत्व रासायनिक रूप से धातु और समान करता है अंकुश ऑफिशियल जी बोल रहे हैं आप बिहार से बिल्कुल अंकुश ऑफिशियल जी बिहार से ही है। चलिएगा अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़िएगा सभी लोग निम्नलिखित में से बताइएगा कि कौन सा ऐसा तत्व है जो रासायनिक रूप से धातु और अधातु दोनों है तैतालीस -फट। चलिएगा चलिएगा शिवानी जी हो रही है कहीं कहीं बारिश हो भी रही है चलिएगा कोमल जी का सही आंसर आया है और बताइएगा तैतालीस नंबर क्वेश्चन का चलिएगा सभी का आंसर आना चाहिए फटाफट धातु और अधातु दोनों है बताइएगा तालीस नंबर क्वेश्चन का चलिएगा सभी का आंसर आना चाहिए चलिएगा तो आंसर की तरफ बढ़ जाते हैं ध्यान दीजिएगा ऑप्शन तैतालीस ता नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन डी होगा ध्यान रखिएगा ऑप्शन डी करेक्ट आंसर होगा ज्योति जी का भी सही है अश्विनी जी का सही है तो ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर होगा बोरोन ध्यान रखिएगा बोरोन इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर होगा चलिएगा अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ जाते हैं चौवालीस नंबर क्वेश्चन उन्नीस सौ तैतालीस में सुभाष चंद्र बोस ने स्वतंत्र भारत के बताइएगा कि, कि इन सरकार का जो गठन उद्घोषित किया था बताइएगा बताइएगा कि में किए थे सभी का आंसर आना चाहिए नंबर क्वेश्चन का सभी लोग बता दीजिएगा यह आसान क्वेश्चन है सभी का आंसर आना चाहिए इस क्वेश्चन पे चलिएगा गिरी जी का सही है कुमार जी का सही है दीपक जी का सही है बीना भारती जी का सही है रिया जी का सही है सुमरन जी का सही है पिंटू जी का सही है जया प्रभा का सही है ज्योति जी का सही है चलिएगा अरविंद जी का सही है राम पुकार जी का सही है पिंटू जी का सही है स्मिता जी का भी सही है चलिएगा शिवानी जी का भी सही है चलिए तो आंसर की तरफ आते हैं ध्यान दीजिएगा सिंगापुर यानी उन्नीस सौ तैतालीस में जो सुभाष चंद्र बोस के द्वारा जो आजाद हिंद का जो अंतकालीन जो सरकार का गठन किया गया था वो कहाँ में किया गया था सिंगापुर से और सिंगापुर से क्या नारा दिए थे सुभाष चंद्र बोस आप सभी को पता है कि दिल्ली चलो दिल्ली चलो का नारा किसने दिया था सुभाष चंद्र बोस और क्वेश्चन एक किया गया है बीपीएससी में कि कहा मतलब नारा दिए थे तो ये सिंगापुर से नारा दिए थे तो ये भी आप लोग याद रखिएगा चलिएगा कोमल जी बोल रहे हैं कि थोड़ा फास्ट कीजिए बिल्कुल अब हम लोग फास्ट किए हुए हैं चलिएगा अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़िएगा कि सबसे पहला बताइएगा कि हमारा जो राष्ट्रगान गाया गया था बताइएगा कि राष्ट्रगान कब गाया गया था और कहाँ गया था गाया था चलिएगा कनकलता जी का भी सही है अंकुश ऑफिसियल जी का भी सही है आंसर चलिएगा अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़िएगा पैंतालीस नंबर क्वेश्चन की तरफ फटाफट बताइएगा चलिएगा रिया जी का सही है दीपक जी का सही है बिना भारती जी का सही है चलिएगा सभी का आंसर आना चाहिए फटाफट पांच क्वेश्चन है चार क्वेश्चन चार मिनट में पाँच क्वेश्चन करने का टारगेट रखे हुए हैं चलिएगा पांच क्वेश्चन और बच गया है चलिएगा अरविंद जी का सही है सुधीर जी का सही है मनीष जी का सही है पिंटू जी का सही है ज्योति जी का सही है शिवानी का सही है कोमल जी का सही है अस्मिता जी का सही है, का सही है? तो आंसर कितना तो ऑप्शन होगा यानी कलकत्ता में अधिवेशन में वंदे गया गया तो गया 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 तो मातरम अभी थोड़ी देर पहले बताया कि अठारह सौ छियानवे मातरम को कलकत्ता अधिवेशन में ही गया था सताईस दिसंबर उन्नीस को गाया गया था तो जनगणन तो बिल्कुल आप लोग सभी याद गण मन को गाने में जो समय लगता है वो कितना लगता है तो बावन सेकंड का

यहाँ पे मौलिक अधिकार की चर्चा किया जा रहा है <coughs> चलिएगा सभी का आंसर आना चाहिए चलिएगा ज्योति जी का भी सही है चलिएगा तो आंसर की तरफ हम लोग बढ़ जाते हैं ऑप्शन इसका ए जितने भी लगाए सभी का आंसर सही है ध्यान रखिएगा क्या है तो यह मूल संविधान का

चलिएगा सैतालीस नंबर क्वेश्चन का आंसर आना चाहिए चलिएगा स्मिता जी का सही है कोमल जी का भी सही आंसर आया है <coughs> और बताइएगा कुंदन गिरी जी का सही है अरविंद जी का सही है पिंटू जी का सही है चलिएगा जया प्रभा का भी सही आंसर है अंकुश ऑफिशियल जी का भी सही है कबीर सिंह जी का भी सही है चलिए तो आंसर की तरफ कितना जयप्रभा का भी सही है तो ध्यान दीजिएगा ऑप्शन सी करेक्ट आंसर होगा यानी राज्यपाल यानी राज्य का जो सदस्य होता है उसका नियुक्ति कौन करता है तो ध्यान दीजिएगा राज्यपाल करता है राज्यपाल करता है ऑप्शन इसका सी करेक्ट आंसर होगा चलिएगा सभी का सही आ रहा है कि गणतंत्र की बताइएगा कि किसी राज्य की सदस्यता बताइएगा कि क्या होती है बताइएगा अड़तालीस नंबर क्वेश्चन आपके पर आ गया बताइएगा चलिएगा गौरव सिंह यादव जी का सही आंसर आया है और बताइएगा अड़तालीस नंबर क्वेश्चन का अरविंद जी का भी सही है चलिए दो क्वेश्चन और शेष रह गया बताइएगा जयप्रभा का भी सही है राम पुकार जी का भी सही है जाते जाते आप लोग वीडियो को लाइक करते हुए जाइएगा सभी लोग प्लीज लिए। चलिएगा स्मिता जी का सही है कोमल जी का सही है कबीर सिंह जी का सही है माधव जी का सही है रिया जी का सही है चलिएगा तो आंसर की तरफ बढ़ते हैं ध्यान दीजिएगा अनिवार्य है इस बात को ध्यान रखिएगा भारत का जो गणतंत्र में किसी राज्य की जो सदस्यता है वो क्या है तो उसको अनिवार्य है इस बात को आप लोग ध्यान रखिएगा चलिएगा अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ जाते हैं अगला क्वेश्चन आप क्वेश्चन को पर आ गया ध्यान दीजिएगा कि भारतीय संविधान में निम्नलिखित में से कौन सा पक्ष यूएसए के संविधान के समान है बताइएगा कौन सा ऐसा पक्ष है जो यूएस यानी अमेरिका के संविधान के समानांतर में है बताइएगा कि उसी के अनुसार है बताइएगा सभी लोगों का <coughs> बताइएगा यानी वो उस देश से ही लिया गया इस बात से भी आप लोग पकड़ सकते हैं चलिएगा कोमल जी का सही आंसर आ गया है और बताइएगा परवीन जी का भी सही है चलिएगा फटाफट बता दीजिएगा अश्विनी जी का सही है पिंटू जी का सही है चलिएगा कोमल जी का भी सही है शिवानी जी का सही है जया प्रभा का सही है अस्मिता जी का सही है चलिए तो तो आंसर आंसर की तरफ बढ़ते हैं ऑप्शन ऑप्शन क्या आ जाएगा बी करेक्ट होगा यानी मौलिक अधिकार मौलिक अधिकार कहाँ से लिया गया तो अमेरिका से लिया गया है मौलिक कर्तव्य कहां से लिया गया तो रूस से लिया गया है राज्य तत्व कहां से लिए गया आयरलैंड से लिए गया तो मौलिक अधिकार कहाँ से लिए गया अमेरिका से लिया गया तो कहां से होगा तो अमेरिका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा चलिएगा अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़िएगा चलिएगा पचास नंबर क्वेश्चन आज का लास्ट क्वेश्चन आपके जिनको गया ध्यान दीजिएगा कि कौन सी नदी दक्षिण भारत की गंगा के नाम से जाना जाता है दक्षिण की गंगा नहीं बोला दक्षिण की गंगा यानी दक्षिण भारत की गंगा के नाम से किसको जाना जाता है बताइएगा दक्षिण गंगा नहीं है दक्षिण की गंगा है बताइएगा चलिएगा अस्मिता जी का सही आंसर है कबीर सिंह जी का सही है ज्योति जी का सही है बताइएगा सभी लोग अरविंद जी का सही है राम पुकार जी का सही है प्रवीण जी का सही है पिंटू जी का सही है शिवानी जी का सही है कुंदन गिरी जी का सही है चलिएगा तो ध्यान दीजिएगा ऑप्शन इसका एक करेक्ट आंसर होगा ध्यान दीजिएगा यानी दक्षिण भारत की गंगा यानी की से क्या हो गया तो कावेरी हो गया इसमें भी की लगा हुआ रहता है का यहाँ भी लगाइएगा यानी दक्षिण गंगा अगर सिर्फ अगर आता तब गोदावरी होता दक्षिण यहाँ पे की अगर हट जाता ना कि दक्षिण गंगा के नाम से किसको जानते हैं तब गोदावरी होगा लेकिन यहाँ पे क्या करा कि दक्षिण की गंगा तो दक्षिण की गंगा हो जाएगा यानी कावेरी होगा तो इस बात को आप लोग ध्यान रखिएगा आज का हम लोग का पचास क्वेश्चन समाप्त हुआ तो अगर चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और जाते जाते आप लोग सभी लोग वीडियो को लाइक आप लोग जरूर कर दीजिएगा